23 अक्टूबर 2018 रात करीब 12:45 पर दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवान सीबीआई हेडक्वार्टर में जा घुसे। कुछ देर बाद सुरक्षा के बीच आईपीएस एम नागेश्वर राव सीबीआई दफ्तर आते हैं। वो सीधे 11वें फ्लोर पर मौजूद सीबीआई चीफ आलोक वर्मा के केबिन में दाखिल होते हैं। नागेश्वर राव चंद मिनट पहले सीबीआई के अंतरिम चीफ बनाए गए थे, क्योंकि मोदी सरकार ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। रात भर नागेश्वर राव ने सीबीआई दफ्तर में तलाशी जारी रखी और सुबह बिल्डिंग को सील कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर प्रशांत भूषण ने दावा किया कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा की डेस्क पर राफेल मामले में गड़बड़ी से जुड़े दस्तावेज थे। साफ था कि इसीलिए हटाया कि कहीं वो राफेल का इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दे। आज फैसला सीरीज में देखिए पीएम मोदी के सीबीआई चीफ बदलने की कहानी। पूरा वीडियो देखिए दैनिक भास्कर ऐप पर।